हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्विज पार्ट वन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। नीचे दिए गए में से कौन सा फीचर मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का नहीं है? ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी करेक्ट पावर लेवल एंड ऑप्शन डी नो ऑसोलेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नो ऑसोलेशन। For a good control system, the speed of response and stability must be high, and for the slow and sluggish response is not used and undesirable. तो good control system के लिए speed of response और stability must be high, मतलब बहुत हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, और and for the slow and sluggish response is not used and undesirable. और slow sluggish response ये कोई ना कि यूज करने के लिए होते हैं ना ही और ना ही डिजरेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ। जो आउटपुट होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का वो किसका फंक्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए रेफरेंस इनपुट, ऑप्शन बी रेफरेंस आउटपुट, ऑप्शन सी आउटपुट एंड फीडबैक सिग्नल एंड ऑप्शन फोर्थ इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। उसका सही आंसर है इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग द एरर एंड दैट इज बाय डिफरेंसिंग द आउटपुट विद द डिजायर आउटपुट and as the equation of the output of the system is C is equals to GR by 1 plus GH. Question number 3, the principle of homogeneity and superposition are applied to. जो principle होता है homogeneity का और superposition का ये किस पर apply होता है? Option A, linear time invariant system. Second, non-linear time invariant system. Third, linear time variant system and ऑप्शन फोर नॉन लीनियर टाइम इनवेरेंट सिस्टम। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीनियर टाइम वेरेंट सिस्टम्स। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट फॉर द टू सिग्नल्स एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड दैट इज अप्लीकेबल फॉर द LTI सिस्टम, दैट मीन लीनियर टाइम वेरेंट सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर फोर, इन कंटिन्यूस डाटा सिस्टम्स डाटा मे बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एट ऑल द पॉइंट्स इन द सिस्टम। ऑप्शन बी, डाटा इज नेसेसरीली अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एट ऑल द पॉइंट्स इन द सिस्टम। ऑप्शन सी, डाटा इज कंटिन्यूस एट द इनपुट्स एंड आउटपुट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बट नॉट नेसेसरीली ड्यूरिंग इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। एंड ऑप्शन फोर, द ओनली द रेफरेंस सिग्नल इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। कंटिन्यूस डाटा सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन उसका आंसर है ऑप्शन बी, डाटा इज नेसेसरीली अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ऑल एट ऑफ टाइम एट ऑल द पॉइंट्स इन द सिस्टम। कंटिन्यूस सिग्नल्स आर द सिग्नल्स हैविंग वैल्यूज फॉर द कंटिन्यूस टाइम एंड इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स डिकेज टू जीरो एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी द सिस्टम इज स्टेबल। तो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ लीनियर सिस्टम एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू एन इनपुट सिग्नल आर in bracket t is equals to 1 minus e to the power minus t. The response of the system for the t is greater than 0 is given by c in bracket t is equals to 1 minus e to the power minus 2. The transfer function of the system is, तो जो transfer function होता है system का वो क्या रहेगा जब r is equals to 1 minus e to the power minus t और c is equals to 1 minus e to the power minus 2 t. तो उसका options है, ऑप्शन ए s प्लस टू अपॉन एस प्लस वन, ऑप्शन बी s प्लस वन अपॉन एस प्लस टू, ऑप्शन सी टू वाई प्लस वन अपॉन एस प्लस टू एंड ऑप्शन डी s प्लस वन टू एस प्लस टू। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू s प्लस वन अपॉन एस प्लस टू। तो c इज इक्वल टू वन माइनस टू टू माइनस टू टी, तो r क्या रहेगा वन अपॉन s माइनस वन अपॉन s प्लस वन। तो s तो c r क्या होगा वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस एस प्लस वन जिस तरह से हमने दिया है, और सी क्या होगा वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस टू। तो टी एफ इज इक्वल्स टू टू अपॉन टू इंटू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन रीजनरेटिंग द फीडबैक द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय। जब फीडबैक को रीजनरेटिंग करना पड़ता है तो जो ट्रांसफर फंक्शन यूज होता है वो किससे गिवन होता है? सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस इंटू एच एस अपॉन वन माइनस जी एस इंटू एच एस, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, C
CS upon RS is equals to GS upon 1 minus GS into HS. Regenerating feedback is positive feedback and it increases it infinitely, and hence the speed of the response of the system reduces. Question number 7. A control system whose step response is minus 0.5, 1 plus e to the power minus 2, is cascaded to another control block whose impulse response is e to the power minus t. What is the transfer function of the cascaded combination? अगर जिसका स्टेप रिस्पॉन्स जिस कंट्रोल सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स माइनस 0.5 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 ये होता है, तो अनदर कंट्रोल ब्लॉक का इंपल्स ई टू द पावर माइनस टी होता है, तब ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कैस्केडेड कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो उसके ऑप्शन है 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, ऑप्शन बी 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस, ऑप्शन सी 1 अपॉन एस प्लस 3, ऑप्शन डी 0.5 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2. उसका सही आंसर है ए 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रांसफर फंक्शन हैज टू जीरोस एट इन्फिनिटी, देन द रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर एन एंड द डिनोमिनेटर डिग्री एम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज. अगर ट्रांसफर फंक्शन के पास दो जीरोज होते हैं इन्फिनिटी में, देन द रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर डिग्री एम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज. तब रिलेशन क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री में ट्रांसफर फंक्शन के, तो वो होता है एन इज इक्वल्स टू, ऑप्शन से एम प्लस 2, एम माइनस 2, एम प्लस 1 और एम माइनस 1. तो उसका आंसर है एन इज इक्वल्स टू एम माइनस 2. जीरोस एज इन्फिनिटी इंप्लाइज टू पोल्स एट ओरिजिन, हिन्स द टाइप ऑफ द सिस्टम इज 2 एंड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज एम इज इक्वल्स टू एन प्लस 2. क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन डिराइविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर एलिमेंट, जब आप ट्रांसफर फंक्शन का लीनियर एलिमेंट डिराइव कर रहे हो, तो उसका ऑप्शन है बोथ इनिशियल कंडीशन एंड लोडिंग आर टेकन इनटू अकाउंट, इनिशियल कंडीशन आर टेकन इनटू अकाउंट बट द एलिमेंट इज अज्यूम टू बी नॉट अनलोडेड, इनिशियल कंडीशन आर अज्यूम टू बी जीरो बट लोडिंग इज टेकन इनटू अकाउंट, ऑप्शन डी इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम टू बी जीरो एंड द एलिमेंट इज अज्यूम टू नॉट बी लोडेड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम टू बी जीरो बट लोडिंग इज टेकन इनटू अकाउंट. व्हेन डिराइविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर एलिमेंट ओनली इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम टू बी जीरो, लोडिंग कैन नॉट बी अज्यूम टू बी जीरो. क्वेश्चन नंबर 10. इफ द इनिशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम आर इनहेरेंटली जीरो इनहेरेंटली व्हाट डज इट फिजिकली मीन. अगर किसी सिस्टम का इनिशियल कंडीशंस अगर इनहेरिटली जीरो होंगे, तो उसके फिजिकली मीन मतलब फिजिकली उसका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ये होता है सिस्टम इज एट रेस्ट बट स्टोर्स एनर्जी, सिस्टम रेस्ट पे और एनर्जी स्टोर्स करता है. ऑप्शन सेकंड, द सिस्टम इज वर्किंग बट डज नॉट स्टोर एनर्जी, सिस्टम वर्किंग कंडीशन पर है लेकिन एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा. ऑप्शन सी, द सिस्टम इज एट रेस्ट और नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी पार्ट ऑफ इट्स पार्ट एनी ऑफ इट्स पार्ट. और सिस्टम ऑप्शन सी का क्या मतलब है कि सिस्टम रेस्ट पे है और किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं करता किसी भी पार्ट में. एंड ऑप्शन डी इज द सिस्टम इज वर्किंग विद जीरो रेफरेंस इनपुट, ऑप्शन डी का कहना है कि सिस्टम एक तरह से वर्क कर रहा है लेकिन जीरो रेफरेंस इनपुट पे. पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द सिस्टम इज एट रेस्ट और नो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स पार्ट. अ सिस्टम विद जीरो इनिशियल कंडीशन इज सेड टू बी अ रेस्ट सिंस देयर इज नो स्टोर्ड एनर्जी. तो इसी तरह से हमने आज के 10 क्वेश्चन जो कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की क्विज होती है वो हमने कंप्लीट कर ली पार्ट 1. तो इसी तरह से बने रहिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से आप फिट फैन रहिए और हमेशा स्टडी करते रहिए, मोटिवेट रहिए. धन्यवाद.